हाय गाइस, वेलकम टू इजी लाइफ विद लिली। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा DIY जिसे मैं पर्सनली काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एज आई एम अ एविड रनर और रनिंग मैं नॉर्मली मॉर्निंग में ही करती हूँ 7 to 9 में, और इतनी गर्मी आ चुकी है, इतनी धूप आ चुकी है, तो हो जाती है टैनिंग। ये DIY बेसिकली आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी टैनिंग को हटाने में। तो विदाउट टॉकिंग मच, लेट गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। टैन रिमूवल DIY बनेगी विद द हेल्प ऑफ बेसन, जो हर घर में इजीली अवेलेबल है, थोड़ी सी हल्दी, किसी भी ब्रांड का रोज वाटर, घर में जमा हुआ या बाहर से लाया हुआ दही, और लेमन जूस। लेमन जूस बिल्कुल ऑप्शनल है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेना, अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना। याद रखना कि पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, एकदम राइट कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इसमें से पूरे लम्स भी पूरी तरीके से निकलने चाहिए। इसके बाद इस पेस्ट को मैं लगाऊंगी अपने मुंह पर और अपने हाथों पर। आप चाहो तो इसे पैर में भी लगा सकते हो। और पेस्ट लगाने के लिए मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाथों से जब हम कोई भी पेस्ट अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो कवरेज ज़्यादा अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू जब हम कोई ब्रश यूज़ करते हैं। और हाथों से क्या होता है, जब हम कोई चीज़ लगा रहे होते हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डेंसली हम एक एक्सफोलिएट भी स्किन को कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं अच्छे तरीके से। और अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक स्क्रबर है तो आप उसे हाथों में भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से अपने हाथों को एक बार ही रगड़ लेना। पर याद रखना, ऑर्गेनिक स्क्रबर हो या कुछ भी हो, उसका यूज़ आपको अपने मुंह पे नहीं करना। मुंह पे आपको बहुत ही जेंटली अच्छे तरीके से ये पेस्ट पूरे तरीके से लगाना है। मैं यहाँ पर ये पेस्ट अपने मुँह के साथ साथ अपनी नेक पर भी लगाऊँगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो सारे इन्ग्रीडियंट्स मैंने आपको बताए हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। बेसन आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, हल्दी आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा, रोज़ वाटर हमें चाहिए होता है, सारे जो भी मिक्सचर है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए, दही जो होगा वो स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। लाइक मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो दही मेरे लिए अच्छा काम करता है, ड्राइनेस चली जाती है। और मैंने पहले बोला था कि लेमन जूस जो है वो ऑप्शनल इन नेचर है, क्योंकि कहीं लोगों को लेमन जूस से एलर्जी होती है तो वो लोग लेमन जूस का इस्तेमाल छोड़ सकते हैं, वो लोग ना करें। पर जो लेमन जूस का काम होता है वो होता है ब्लीचिंग सॉल्यूशन का, वो काम करता है। नॉर्मली विटामिन सी होता है जो टैनिंग को काफ़ी हद तक कम कर देता है। और यहाँ पे मैंने पूरे तरीके से अपने फेस पे, अपने हाथों पे पेस्ट लगा लिया है। कोई भी पार्ट आपको ये ध्यान रखना है कि छूट ना जाए। और अब इस पेस्ट को लगाने के बाद मैं वेट करूँगी इस पेस्ट के सूखने का। पूरी तरीके से नहीं सुखाना, मतलब आपको ये सुखाना है 85 to 90%। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ अपना फेस वॉश करने के बाद। और यहाँ पे मैंने अब अपना फेस को वॉश कर लिया है, और अब आप मेरी स्किन पे देख सकते हो कि बहुत साफ लग रही होगी, क्लीन लग रही होगी, नरिश लग रही होगी। मुझे खुद ही बहुत अच्छा सा अभी फील हो रहा है। तो गाइज, ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा DIY जो आप लोगों की टैनिंग को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी टैनिंग इस DIY से कम होगी, क्योंकि बैक इन 2019 जब मैं स्विमिंग सीखती थी, मई जून जुलाई का टाइम, और क्लोरीन का पानी, हमें कम से कम 1 घंटे तक पानी में रहना ही पड़ता था, ओपन पूल होता था, तो आप सोच सकते हो कि स्किन का क्या हाल होता होगा। तभी भी मैंने सिर्फ इस DIY के हेल्प से ही अपनी स्किन को ठीक किया था, टैनिंग को कम किया था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये DIY इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया, आई एम सॉरी, प्रोडक्ट्स में पैसे वेस्ट नहीं करे। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी खरीदे थे जो क्लेम करते थे कि टैनिंग हटा देंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो हेंस आप इस होम मेड DIY को इस्तेमाल करके देखो, आपकी टैनिंग 100% कम होगी। मैं यहाँ नहीं बोल रही कि रिमूव होगी, मैं कोई अपनी इस वीडियो में फेक प्रॉमिस नहीं करूँगी। और अगर आप लोग ये DIY यूज़ करते हैं और आपकी टैनिंग इतनी सी भी कम होती है तो मेरी इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे देना, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर 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 करना। और इसी नोट के साथ दिस इज लिली साइनिंग ऑफ। See you on my next video. Till then, bye.